गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो आज हम मैं कर रही हूँ मेरे कपड़े पैक, क्योंकि जो पोशाकें वगैरह शादी की थी मैंने जो पहनी वो मैं एक साइड कर रही हूँ, और जो कनाडा ले जाने हैं वो कपड़े मैं एक साइड कर रही हूँ। कनाडा की पैकिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है, कुछ टाइम में हम लोग जाने वाले हैं। तो मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ कि एक तरफ साइड में करके इनको सबको सेट करके चली जाती हूँ, पोशाक वगैरह ढंग से रख के, क्योंकि अब काफ़ी सालों से फिर आएंगे तो फिर एक बार एक तरह रख देती हूँ एक तरफ। और आज हम लोग आए हैं बीनी को, सबके हमारे फैमिली वाले हैं जो जयपुर में रहते हैं, उनके सबके पगा लगवाने के लिए, धोख देने के लिए लेके आए हैं। और ये जो नई बीनी दिख रही है, इन्हीं की अभी शादी हुई है हमारे बना के साथ में, मतलब 2 दिन का ही गैप था, तो ये भी हमारे फैमिली में है। और फिर शाम को बीनी का डिनर हमारे घर पे ही था, तो बीनी आई है हमारे घर पे खाना खाने के लिए। और ये सेकेंड डे है, और आज बीरणी के जो दोबारा आई, जब बेस वगैरह लेके आई उसका दिखावा करा है, तो हम लोग आए देखने के लिए। और हम लोग आए मूवी देखने के लिए, एनिमल मूवी लगी हुई है, तो मैं और तरुण मना, उदिता के पापा और ये सुमन भाई साथ थे, हम चारों आए मूवी देखने के लिए। हर पल को जीने का स्टाइल अलग है, पर जब बात होती है हम मूवी देख के आ गए। सुमन भाई साहब से पूछो कैसी लगी, बताओ। अच्छी थी क्या? मारदार खूब थी। और आज हमारी बीनी की रसोई है, फर्स्ट रसोई, आज खाना बनाएंगे और काकी साहब हमें डांट पीटने वाले हैं। 4 घंटे की मूवी देख के आए हम लोग, और अब खाना क्या बनाएंगे, बुधवार से बनाना। और फिर शाम को हम लोग आ गए थे मेरे मामेर ससुर के घर पे डिनर के लिए, उन्होंने हमें इनवाइट करा है, तो हम सारे आए थे, पूरी फैमिली, रिंकू भाई साहब आए थे और मैं, पापा जी, मम्मी जी सभी आए थे, मतलब हमारी पूरी फैमिली आई थी खाना खाने के लिए। और हमने डिनर कर लिया था, अब हमें विदा दे रहे थे मामू साहब, और इधर मामू साहब पापा जी को जवारी दे रहे थे, विदा में जो दस्तूर होता है हमारे जवारी देने का, तो वो दे रहे थे। और तो मम्मी जी ने मुझे बोला कि उधर जाके उनका भी वीडियो बनाओ। आप लोग आपको
ये मामूसा का घर है। शाम की जल्दी जल्दी रेवे ये मामी सा है भाभी सा है। घर है, बहुत ही सुंदर घर है। तो ये व्लॉग का तीसरा दिन चल रहा है। मैं 2-3 दिन के व्लॉग एक साथ डाल रही हूँ, सॉरी एक ही व्लॉग के अंदर एडिट करके डाल रही हूँ। तो आज हम लोग आए हैं शादी में, पापा जी के दोस्त हैं, उनकी लड़की की शादी है तो हम लोग वहाँ आए हैं। मैं और उदिता, ये रही उदिता इधर देख, हम आए हैं शादी में। भाभी सा है हमारे साथ में, पड़ोसी। अलग है, कितना शानदार लग रहा। वाह, इसका तो ब्लॉग डालना ही पड़ेगा। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी हुई है, ये सारा देसी खाना। इधर खिचड़ी, हमारा राजस्थानी खाना, ये सारा राजस्थानी खाना अलग से लगा हुआ है। हम खा रहे पिज्जा। पिज्जा भाभी सा धनाधन लगे हुए, खाने का मजा ले रहे हैं भाभी सा और मैं दोनों। और मैं बहुत टेस्टी खाना है आज यहाँ का। खाना खा रहे हो? मैंने कम ही सामान लिया है क्योंकि मेरा पेट भर गया और बहुत अच्छा अच्छा था, इसलिए मेरे को समझ भी नहीं आया मैं क्या खाऊं। और मैंने बस थोड़ा बहुत ही राबड़ी। क्या खा रहे हो? ये है बाटी और केट सांगरी की सब्जी। मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ, ऐसे पेट भर गया मेरा। मैं और उदिता के बैठे हैं चारपाई के ऊपर, ये देख सकते हैं चार, यहाँ पे चार पाई भी लगी हुई है। अंजलि सब हमें देखता है ना उदी। बाजरे की रोटी और चटनी, सिलपट्टे की चटनी है, सिलपट्टे पे बांटी हुई है।
क्या